सरकार के सभी विभागों में अधिकारियों द्वारा कन्नड़ का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और कन्नड़ तभी जीवित रह सकता है जब इसे आंत की भाषा माना जाएगा, कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम बलिमाले ने कहा। वह सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में जिला प्रशासन बीदर और कन्नड़ विकास प्राधिकरण बैंगलोर के सहयोग से जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए कन्नड़ कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक को संबोधित की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हिंदी का 66% अत्याधिक है, जबकि बांग्ला भाषा 27% की है, रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि तमिल, तेलुगु, मराठी और उड़िया भाषाएं 12.13, 13.14% बढ़ रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारा कन्नड़ 3.73% की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम कन्नड़ भाषा को लेकर नहीं जागे तो देर नहीं लगेगी कि यह महज एक भाषा बनकर रह जाएगी। हम अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कन्नड़ीकरण के बारे में बात क्यों नहीं करते। 27 जगहों पर बटे कन्नड़ी गांवों को एकजुट करने के लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी और हमें एकजुट किया। इसमें कन्नड़ साहित्य परिषद, कर्नाटका विद्यावर्धक संघ समेत कई लोगों ने कन्नड़ के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी और कहा कि हमें इसे बचाना और विकसित करना है। कन्नड़ भारत की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। हमारी विरासत को जानने के लिए, मातृभाषा की असीमता को बचाने के लिए हमें इसे कायम रखना होगा, अन्यथा हम आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक के लिए 5 स्कूलों को गोद लेने और उनसे मिलने वाले अनुदान से उन स्कूलों का विकास करना और मदरसों में सप्ताह में 2 घंटे कन्नड़ पढ़ाना, यह काम हमारे प्राधिकरण द्वारा बेंगलुरु के कलसीपाल्या, विजयपुरा, रायचूर और कलबुर्गी जिलों में किया जाएगा। ಬರೀ 22 ಭಾಷೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಷೆಡ್ಯೂಲ್, ಈ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಾನು 22 ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೈನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಕಣೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.